नमस्कार दोस्तों, वेजिटेट में आपका स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले दोस्तों टाटा मोटर की एक बार फिर से। दोस्तों धमाकेदार खबर यहाँ पर निकल कर आई है जो कि दोस्तों स्टॉक में आपको आग लगाती हुई नजर आ सकती है। उसको आज की डेट में अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अभी मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 304 के लेवल पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं और कल की डेट के लिए क्या टारगेट्स होने वाले दोस्तों, उसको आज की डेट में अपन शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करने वाले हमेशा की तरह। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके सपोर्ट जोन की, बिकॉज इसका जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 305 306 का लेवल, वो ब्रेकडाउन हो चुका है दोस्तों आज की डेट में। और स्टॉक 304 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब इसको ब्रेकडाउन करके नीचे की ओर ट्रेड करती हुई नजर आ रहा है। तो स्टॉक हो सकता है कि दोस्तों 297 तक आने की संभावना बन रही है। पहला सपोर्ट रहेगा इसका नीचे की ओर 297 298 का लेवल अप्रॉक्स, लेकिन हो सकता है कि बड़ी गिरावट के साथ दोस्तों मैच टू मैच 289 290 तक स्टॉक जा सकता है। ये दो सपोर्ट रहेंगे नीचे की ओर, हालांकि इन बिटवीन एक स्मॉल सपोर्ट भी है 295 के करीबन भी बनने वाला है दोस्तों एक स्मॉल सपोर्ट। लेकिन अगर ये 300 के ऊपर ही सस्टेन होता है दोस्तों, और आज की डेट में अगर ये 300 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। मतलब गिरावट तो देखने को मिली है लेकिन बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है जब भी कोई स्टॉक दोस्तों कंसोलिडेट होता है। तो अभी अगर बात की जाए इसके टारगेट की, तो आज की डेट का पहला टारगेट यही रहेगा दोस्तों, आज की डेट का मान लो या फिर कल की डेट का। अगर ये आज की डेट में नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, 305 306 के नीचे, तो पहला टारगेट रहेगा इसका 305 306। ये रेजिस्टेंस है और तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। और जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर आज की डेट में क्लोजिंग होती है इसके ऊपर, तो कल की डेट के लिए बढ़िया पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। कल की डेट का पहला टारगेट रहेगा 311 312 का लेवल दोस्तों, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी एक बार यहाँ से गिरावट आ चुकी है, तो अगर सेकंड टाइम यहाँ पर गया तो ब्रेकआउट करके 315 तक का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो लेवल है दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताते आया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द पोजिशन इसी लेवल पर बनी हुई है, इसी जोन में, ठीक है। अगर इसको ये ब्रेकआउट दिया तो आपको धमाका देखने को मिलेगा, स्टॉक सीधा दोस्तों आपको 350 के लेवल भी यहाँ पर अचीव करती हुई नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों टाटा मोटर में एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई जो कि दोस्तों लॉन्ग टर्म में आग लगाती हुई आपको नजर आ सकती है। अभी एक साल के अगर टारगेट की बात की जाए तो 500 से बढ़कर हो चुका है दोस्तों 1000। इसके पीछे यही वजह है दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों द कंपनी प्लान टू एड अराउंड 250 सेल्स आउटलेट बाय द एंड ऑफ द फिस्कल। मतलब यहाँ पर दोस्तों सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात चल रही है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। लुक टू इनहेंस सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो भी 250 सेल्स आउटलेट बनने वाले। मतलब यहाँ से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आराम से 500 तो चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको 1000 प्लस के भी टारगेट यहाँ पर दिखने को मिल सकते हैं। जिस तरह की खबरें चल रही है, लाइक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग भी खबरें चल रही है, फंड रेजिंग होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ जो आउटलेट जो सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात, ये मतलब जो खबर है दोस्तों टाटा मोटर में लॉन्ग टर्म में आपको आग लगाती हुई नजर आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।